up, hope you all are doing well. So this is me, Sidham, and welcome back to my channel. Video. So guys, आज मैं करने जा रही हूँ स्टोरी चैलेंज। अगर मुझे लगता है लाइव नहीं कंटिन्यू कर पाई तो क्योंकि मुझे लाइक मुझे वो देखा नहीं पता है इस चैलेंज के बारे में, कुछ नहीं पता। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। तो गाइस स्टोरी टेलिंग चैलेंज में ऐसा होता है कि हम लोगों ने एक एक वर्ड, मतलब मैं एक स्टार्ट करने में भी हाँ तो इन लोगों को वहीं से कंटिन्यू करना होता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एक 5 साल की छोटी बच्ची होती है एंजेला, तीनों जा रही होती, सामने जा रही होती, जा रही होती, उससे एक होटल दिखता है। तो वो होटल में खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वो खाना खाने बैठती है तो वो देखती है होटल तो बंद है। फिर होटल में जब वो खाना खा रही होती है तो उसको सामने एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है जहाँ पे वो जाके बैठ जाती है। जाके बैठती है तो वो देखती है कि कोई बुढ़े अंकल आ गए और मेरी थाली में कुछ लाए। तो वो तो खुश हो गई कि भाई थाली में कुछ ला रहे, रेस्टोरेंट में था मैं वहाँ गई नहीं, अब थाली में आ रहा है तो भाई मैं तो खाऊंगी। फिर क्या था उस थाली में? फिर जब वो थाली लाते हैं उस थाली में चने रखे होते हैं। वो बोलते हैं कि चने मेरे घोड़े को खिला दो तो फिर मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। जब चने को देखती तो बोलती है मेरा घोड़ा खाएगा, पर मैंने तो सोचा मैं खाऊंगी, पर ये क्या होना लड़की। लेकिन फिर सीन ये होता है कि जब वो लड़की बहुत ज्यादा थक जाती है, वो कहती है भाई मैं तो काम काम करना, इससे बेहतर तो मैं अपने घर जाऊँ वापस और वहीं खाना बना लूँ। मगर उस लड़की का घर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका घर बहुत दूर होता है, तो वो उसी घोड़े पे बैठ के जाती है। जब वो घोड़ा सीखते जा रहा है तो घोड़े की टांग टूट जाती है और घोड़े की टांग टूट गई। फिर वो बच्ची रोने लग जाती है क्योंकि वो गिर जाती है उसके ऊपर से। फिर वो घोड़े को उठा के चलती है। जब वो घोड़े को उठा के जा रही होती है तो सामने देखती है कि एक रोशनी आ रही है सामने से। वो रोशनी देखती है तो भाई वो परेशान हो जाती है, तो घोड़ा उसके हाथ से गिर जाता है और दूसरी में टांग टूट जाती है। फिर उसके बाद उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। फिर वो घोड़े की दो टांगे और घोड़े को गोद में उठा के जा ही रही होती है, उससे घोड़ा कुएं में गिर जाता है। घोड़े की कहानी खत्म। अब उसको एक थाली दिखती है क्योंकि घोड़ा तो गिर चुका होता है, मैं जाऊंगी तो जाऊँ कैसे। अब जाती है सामने, जाती जाती है, वो खाना उठाती है और चलती फिरती है। लेकिन जब वो खाना उठा के जा रही होती है उसको याद आता है ये मैं कहाँ गई। फिर उसको उसका घर ही दिख जाता है रास्ते में, वो वहीं रुक जाती है। जब वो घर पे जाती है तो घर पे लाइट नहीं होती, उसको कुछ पकाने की वो ही नहीं होती है, वो नहीं होती है कि वो ही नहीं। फिर वो देखती है मम्मा को, बोलती है मम्मा मुझे खाना था, मम्मा एक गोद में लगाती है कि तुझे कहाँ थी तुम बेटा। लेकिन जब उसकी मम्मा को पता चलता है कि इसका तो बहुत बुरा हुआ, इस बेचारे तो घोड़े टांग भी तोड़ती है, अब इसके साथ क्या चीज हो गया। उसकी मम्मा उसको बिठाती है, वो रोने लग जाती है। फिर तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि बिजली तो आ नहीं रही है, बाजार से सौदा लाओ, मैंने वाले खाना पकाती है। अब भाई मम्मा तो मम्मा पापा भी पापा पापा आए, पापा तो फेरे घोड़े के बहुत गरीब थे, उन्होंने इतना मारा इतना मारा कि उसकी टांग टूट गई। कुछ भी और बच्चे की जैसे टांगे टूटी तो वो रोने लगी। उससे उसकी मम्मा को आया बहुत गुस्सा, जब उसकी टांग टूटी तो वो रोने लगी उसकी मम्मा, और गली के लोग आ गए। फिर हो गए पूरा खानदान लूड़ा, खानदान लूड़ा वो गली के लोग। जब सीढ़ियों से गिर के लंगड़े हो गए, फिर वहां से नर्स भागते भागते कि उसकी भी उसको तो जब A few moments later हाँ ना बात नहीं करेंगे। चलो मैं लॉस हो चुकी हूँ, अब करेंगे ये दोनों। ओके स्टार्ट ओके तो आप भी। अच्छा अब अंजलि जा रही होती है कि एक ही टांग जा रही थी बेचारी, एक टांग बचती है अपने पापा के पास जाती है। तो अपने पापा के पास जाती है तो देखती है कि उसकी भी एक टांग नहीं है, डॉक्टर उसके पापा की भी एक टांग नहीं है, तो वो बहुत रोने लग जाती है। अब उनको बहुत जोर की भूखी लगी हुई थी, पूरा लंगड़ा खाना बैठ के खाने के लिए नहीं जाता है। हम लोग जाते भी कैसे ठेले पर जाते हैं, फिर क्या होता है ठेले पर जाए खुली तो कैसे निकल जाता है, वो भी लंगड़ा हो जाता है। अब जब ठेले के साथ ऐसा हुआ तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, हेलो की डाय सब पागल हो गए। पहुंच गया पहुंच गया यार, ये हेलो की क्या हेलो की क्या बोला, बीच में हेलो की क्या बोला, वाह वाह ये लोग मुझे हमेशा की तरह देती यार, कैसे आप मगन छोड़ो यार आप लोग खुद बताया आप सॉफ्ट हो, किसी को देंगे तो बहुत क्यूट लगता है। आज सुबह की बात है ये ना लेके आ गई और
मुझे मोबाइल नहीं थे, मैंने कहा ये दिखाई यार तुम लोग हार चुके हो। हाँ ये आपको मेडल लेते हैं मुझे, क्योंकि स्टोरी चैलेंज मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बोला स्टोरी चैलेंज। ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन फिर भी हमने उसको बोला कि आज मैं नहीं आना चाहती, क्योंकि लाइक आई हैव नेवर सीन दैट बिफोर, लाइक सो हो गया है। नहीं।